बचपन में हमने एक चीज सीखी थी, अगर आपको याद हो तो, दोनों हाथों में साबुन लेते थे बहुत सारा, ऐसे रगड़ते थे और करके फुग्गे बनाते थे, बुलबुले, इंग्लिश में बबल्स। अब फुग्गे तो बन जाते थे और हम उड़ा भी देते थे बड़े शौक से, लेकिन जब हाथ धोकर हटते थे ना तो हमारी उंगलियां और हाथ कुछ सिकुड़े से हो जाते थे, कुछ ऐसे, है ना। अब आप सोचते थे कि साबुन की वजह से हुआ होगा, पर फिर बाद में पता चला किसी बड़े ने बताया कि नहीं नहीं पानी में ज्यादा हाथ रहे हैं इसलिए ऐसा हुआ है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। पहले लोग ये मानते थे कि इसकी वजह ये है कि उंगलियों के बाहर की जो सूखी स्किन होती है उसमें पानी घुस जाता है, जिसके कारण ऐसी उंगलियां बूढ़ी सी लगने लगती हैं। लेकिन बाद में देखा गया कि कई ऐसे लोग हैं जिनकी उंगलियों में तो कोई समस्या नहीं होती, उनके साथ तो ऐसा नहीं होता। फिर कुछ लोगों ने ये माना कि ये बायोकेमिकल रिएक्शन है। पानी में रहते रहते क्या होता है कि हमारी चमड़ी के कुछ हिस्से बाहर निकल जाते हैं, जिसके कारण वो जगह गीली गीली सिकुड़ी सी हो जाती है, मानो झुर्रियां पड़ गई हो। कुछ लोग ये बात सिरे से नकारते भी हैं, बताते हैं ये एक न्यूरल प्रोसेस है जो कि आदमी के दिमाग से कंट्रोल होता है। जब हाथ बहुत देर तक पानी में रहता है तो स्किन से ठीक अंदर की नसें सिकुड़ जाती हैं। इससे खून का जो प्रवाह होता है यानी ब्लड सर्कुलेशन, उस पर्टिकुलर हाथ के हिस्से में नहीं हो पाता, जिससे उंगलियां सिकुड़ी सी नजर आने लगती हैं। कुछ वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि पानी में रहते रहते हमारी उंगलियों के बीच नाली जैसा काम होने लगता है। जैसे एक मैदान पर जब पानी गिरता है तो कई छोटी छोटी सी नालियां खुद ब खुद बन जाती हैं। वैसे ही हमारे शरीर की चमड़ी सिकुड़ जाती है और पड़ने वाले पानी को निकाल बाहर करती है। अगर ऐसा कभी हो तो आपको लगने लगता है कि आपके हाथ खराब हो जाएंगे। दुखी ना होइएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। उंगलियों के टिप पर जब ज्यादा चोट वोट लगती है तब तो ऐसा नहीं हो पाता, पर वैसे अगर आपका हाथ नॉर्मल है तो हो जाता है। समस्या बस इतनी ही है, घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपके साथ कभी ऐसा हो तो थोड़ा रुक जाएं, उंगलियां नॉर्मल हो जाएंगी, आप नॉर्मल हैं, कुछ नहीं हुआ है आपको। बाकी इस तरह की वीडियोस अगर आप और देखना चाहते हैं तो हमारे पेज द ललन टॉप को फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।